रखते हैं, भीड़ में होते हैं, तो धक्का मार के उसमें कहती हैं कि उन्होंने टच किया, तो वो काफ़ी गलत बात है। एंड शी शुड बी पुटन बिहाइंड दी बार्स नथिंग। तो गलती उसी की है, उसने फ़ोन भी तोड़ा, उसको मारा भी और इतना ज़्यादा, और पुलिस ने या किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। वो वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपली शिल्पी, मैं हूँ शिल्पी और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने पब्लिक व्यू लेकर आई हूँ। ये जो प्रियदर्शनी वाला इंसिडेंट हुआ था ये कृष्णा नगर आलमबाग में हुआ था और मैं हूँ आलमबाग में। मैंने सोचा चलो आलमबाग के लोगों से ही जानते हैं कि वो इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में और क्या हैं उनके व्यूज़। ये जो अभी लखनऊ में प्रियदर्शनी ने उड़ उड़ के थप्पड़ मारा है ड्राइवर को, अब वो कह रही है कि सुलह कर लिया जाए ड्राइवर से, तो ऐसा करना चाहिए ड्राइवर को कि नहीं? आई थिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी और उसने बिना वजह ऐसे किया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसे सुलह नहीं करनी चाहिए। नहीं, उसके बारे में नो, नहीं नहीं, क्योंकि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट गई है। She need to be punished. हाँ बिल्कुल, उनको लग रहा है उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है और उनको उनका करियर भी मतलब स्पॉइल हो रहा है, तो वो ऐसा सोच रही हैं। और अच्छी बात है, कर ले तो अच्छी बात है, बट फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है। आई थिंक बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा था उसके साथ कि मतलब उससे बहुत गलत किया। वो है थोड़ा कुछ, मुझे समझ में नहीं आता क्या है। इतनी इंसल्ट होने के बाद उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बंदे का, वो सुलह करने से कैसे वापस आएगा? अगर प्रियदर्शनी सुलह करने से वो उसको वापस दे सकती है, एक्चुअली वो स्टार बन चुका है, प्रियदर्शनी उसको स्टार बना दिया है ना, तो थप्पड़ मारे उसने और उसका आप कंट्रोल देखिए, उसने बंदे ने उसको टच भी नहीं किया है, सो वो स्टार ऑलरेडी बन चुका है, उसको सुलह की जरूरत है ही नहीं। बट ये है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और जिस तरीके की यू नो उसको लखनऊगढ़ करके इतना फेमस हो गई है, उसके वजह से हम जैसी भी, यार मैं भी लखनऊ की हूँ, तो लखनऊ की लड़कियों को लोग ऐसा समझने लग गए हैं, तो वो उसके बारे में क्या सोच रही हूँ? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी किसी की बहन हूँ और मेरा भाई भी कहता है कि लड़कियाँ इस तरह मतलब कभी कभी गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं, जैसे कि हम कोई मंदिर में जाते हैं, भीड़ में होते हैं, तो वो धक्का मार के उसमें कहती हैं कि उन्होंने टच किया, तो वो काफ़ी गलत बात है, क्योंकि सभी की बहनें होती हैं, मैं भी किसी की बहन हूँ, तो ये बात गलत है। हम भी लखनऊ के ही हैं एंड अब ऐसे सब लोग ट्रीट करते हैं जैसे कि पता नहीं हम क्या हैं। नॉट एवरी गर्ल इज सेम, जैसे पांच उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे नॉट एवरी वन इज सेम। तो आप ये बताइए कि ये जो लखनऊ गर्ल हमारी जो आजकल ये पॉपुलर हो गई है, क्या नाम है, प्रियदर्शनी जी, इन्होंने जो ड्राइवर को उछल उछल के थप्पड़ मारे थे, वो आपके इधर ही का केस है ना, कृष्णा नगर का केस है, तो ये बताइए आप एक लड़की हैं, आप उसके लिए क्या चाहती हैं? ड्राइवर सही है या वो सही है, क्या सही है? ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर सही है। आई थिंक केस होना चाहिए और उसको अंदर करना चाहिए, और जो वो केस उन्होंने किया है ऑब्वियसली गलत है, यूपी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले रही, तो ये चीज़ गलत है। गलत है ना, सही तो बिल्कुल नहीं किया है उन्हें, फेमिनिज्म का कार्ड खेला है, नथिंग एल्स, एंड शी शुड बी पुटन बिहाइंड दी बार्स नथिंग। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया है, उसकी कोई फॉल्ट भी नहीं थी, इनफैक्ट मैंने मतलब देखा था वीडियो क्लिप्स वगैरह देखा है उसमें, तो बल्कि ये भी दिख रहा है कि वो आई और थोड़ा एक सेकंड के लिए उसने रुकी भी है वो, तो गलती उसी की है, उसने फ़ोन भी तोड़ा, उसको मारा भी और इतना ज़्यादा, और पुलिस ने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, वो अलग बात है, बट गलती उसी की है। लोग ये भी कह रहे हैं जैसे ऑडियंस सब लोग कि आप लोगों ने प्रियदर्शनी को भी स्टार बना दिया, बट वो आपको क्या लगता है वो स्टार? प्रियदर्शनी की जगह देखिए लखनऊ जैसे, मेरे को नहीं लगता है लखनऊ में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे उसकी जगह है ही नहीं, उसको बिग बॉस वगैरह में जाना चाहिए जहाँ पे रोज़ उसको लड़ाई झगड़ा करने को मिले और उसको अपना कैरेक्टर दिखाने को मिले, तो लखनऊ जैसी जगह मुझे नहीं लगता उसके लिए है। सी लड़कियों को क्या सजा होनी चाहिए जो अपना यू नो फेमिनिज्म का इतना फायदा उठाती है इस तरीके से? अब उसमें सजा क्या बताऊँ, जैसे जो किया उसकी सजा पुलिस को डिसाइड करेगी, बाकी हम तो नहीं कुछ बता सकते उसमें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, फेमिनिज्म का फायदा उठाना बहुत गलत है। एंड शी शुड बी पुटन बिहाइंड दी बार्स नथिंग। ये आई थिंक केस होना चाहिए और उसको अंदर करना चाहिए, और जो वो केस उन्होंने किया है ऑब्वियसली गलत है, यूपी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले रही, तो ये चीज़ गलत है। गलत है ना? सी ये तो देखिए लॉज अच्छे से जानते हैं, कानून करेगा जो करेगा, बट हाँ जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट गया एटलीस्ट उससे कंपैरिजन करते करते वो तो रिकवर होना चाहिए, उसको कुछ तो फाइन करना पड़ेगा, सो ये एक लर्निंग लेसन हो जाएगा ना सबके लिए। सजा मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में नो कमेंट करना चाहता हूँ, हाँ सजा तो नहीं करना चाहता। वो जो
थप्पड़ मारे, 100 लोगों ने थप्पड़ मारे, इसके बारे में नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता, तो कोई क्लिप तो सामने आती ना, पुलिस ने ना इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया, कोई क्लिप्स नहीं दी। और मारना पीटना ही कौन से, मुझे तो नहीं समझ में आया किसी ने उनको मारा भी है। 100 थप्पड़ के बाद आप खड़े कैसे रह सकते हो यार? ऑब्वियसली नहीं खड़े रह सकते। और पहली बात तो मारा ही नहीं है किसी ने, होता तो क्लिप्स कुछ तो सामने, कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। ड्राइवर को प्रियदर्शनी नाम की लड़की ने 22 थप्पड़ मारे थे, 22 थप्पड़ मारे थे। और उसके बाद वो बंदा कह रहा था, ड्राइवर जो था वो ये कह रहा था, कैब ड्राइवर, कि मैं अभी और भी खा सकता था। तो आप ऐसी लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहना चाहता, जो बंदा था उसको वो यही बोल रहा था कि मुझे तालीम अच्छी दी गई है, मेरे माँ बाप ने जो तालीम दी है कि किसी गर्ल्स पे हाथ मत उठाइए, तो उसने उसको फॉलो किया। तो और बाकी जो लड़की है उसको, उसने तो गलत किया है, उसको यहाँ पे जो नारी होती है मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी हाथ उठाती, बट उसको मारती गई और उसने उसका रिस्पॉन्स या रिएक्ट नहीं किया, तो लड़की की कुछ गलती है। और जो बचाने आए उनको भी मारा? हाँ, वो मैंने देखा था उस वीडियो में, तो जो वहाँ पुलिस वाले भी थे वो भी वहाँ से हट गए। हाँ। और प्लस जो आपके एक बंदा भी आया था बचाने के लिए, उसने भी वहाँ से, मतलब वो उसको भी मना कर दिया, भी मारा था। उसको भी हटा दिया वहाँ से, तो गलत बात है। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, वो कह रही थी कि मुझे 100 लोगों ने मारा है मिलके, और 300 मीटर तक घसीट घसीट के मारा है, और पता नहीं अपनी बॉडी के निशान दिखा रही थी, जो कि मुझे तो कहीं निशान दिखे नहीं, आप लोगों को दिखे हो तो कमेंट कर देना। तो वो क्या था, देख लें वो केस का क्या था? अब ये तो वो बता रही थी कि मुझे भी वहाँ बहुत से लोगों ने मुझे मारा, बट ये था जो वहाँ वीडियो जो चल रही थी, जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें शो नहीं हो रहा था। अभी उसका मैंने रिसेंट इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो ये कह रही थी कि मैं अब सुलह करना चाहती हूँ, यू नो, अब इस झगड़े को आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, और कोई फ़ायदा नहीं है, उसका भी करियर ख़राब होगा, मेरा भी। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब सुलह करना चाहती है, मैं वो तो वीडियो देखा नहीं था, बट ये है जो वीडियो जो लाइव मैंने देखा है और जो न्यूज़ दिखाया था कि जो थप्पड़ पड़े हैं वो गलत हैं। और बाकी भी बता रही थी कि मेरे बहुत से वहाँ लोगों ने, उसके साथी ने, जो भी बंदा था, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, वो मेरे निशान पड़े हुए हैं वीडियो में, वो दिखाया नहीं गया, तो वो तो हमें फेक लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो वीडियो में नहीं दिखाया गया था, मतलब वीडियो में नहीं हुआ ही नहीं था, तो वीडियो में क्या आता? और जो बंदा वहाँ पे बचाने भी आया था या कुछ, उसको भी उसने गलत तरह से रिएक्ट किया था, जो कि वो गलत है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल सिंपली शिल्पी को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।